तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो देखने वाले हैं वही देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल पार्ट जो मोल का होता है, इस न्यूमेरिकल पार्ट में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉइंट वाइज अगर हम डिस्कस करें तो जो पहला पॉइंट है कि मोल कंसेप्ट की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें सबसे पहले बच्चों को रिएक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम टफ हो रही है तो ये एक ही रीजन की वजह से टफ होगी कि बच्चे को रिएक्शन का आइडिया नहीं है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया, तो बच्चे को अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसे रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। या मैं ये बोलूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो उसे पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है एंड व्हेन इट इज हीटेड व्हाट कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड। जैसे जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं तो इट गिव्स CaO प्लस CO2 गैस। तो इस चीज के बारे में कैसे हमें पूरी तरीके से कमांड मिले, तो जब हम इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम ढंग से कर लेंगे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर ढंग से पढ़ लेंगे, तो जो मोल कंसेप्ट चैप्टर में आने वाली रिएक्शन है इनके बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा। किससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला काम कि आपको रिएक्शन जो है वो याद होनी चाहिए इसके अंदर। अगली चीज जो आती है मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम में कि हमने रिएक्शन लिख ली कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टिंग टू गिव अमोनिया। रिएक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर टू। स्टेप वन क्या था कि राइट द केमिकल रिएक्शन। स्टेप नंबर टू है कि हमें रिएक्शन को बैलेंसिंग करना आना चाहिए। अब रिएक्शन का बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि एटम हर एलिमेंट के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में बराबर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसकी स्टोइकोमेट्री लिखते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किस रेशियो में एंड इन व्हाट रेशियो प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग। तो रिएक्शन की स्टेप नंबर थ्री है स्टोइकोमेट्री लिखना, ठीक है। और स्टोइकोमेट्री लिखने के बाद जो हमारा अगला काम है वो है कि रिएक्शन को हम दो तरीके से, स्टेप नंबर फोर है सॉल्विंग, दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। या तो हम यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हैं या मोल मोल एनालिसिस से सोल्व कर सकते हैं। तो मोल मोल एनालिसिस वास्तव में क्या है कि रिएक्शन के लिखने का तरीका है मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हाउ टू सोल्व मोल कंसेप्ट प्रॉब्लम्स यूजिंग मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, मैंने लिखा कि ए प्लस बी is reacting to form AB3 compound, ठीक, ये वाली चीज। तो ये मुझे पता लग गया कि A और B react करके AB3 बना रहे हैं, ठीक है। अब next मेरा जो काम है वो है मेरा next काम कि balancing मुझे करनी पड़ेगी, कि balancing of reaction। अब balancing of reaction heat and trial से हम करते हैं ये देखते हुए कि atom बराबर होने चाहिए हर reactant और product के। तो A plus 3B अगर मैं कर देता हूँ तो ये बन जाएगा AB3, ठीक, बैलेंसिंग हो गया। अब अगला काम मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी स्टोइकोमेट्री स्टडी करनी है। तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कौन से कोफिशिएंट्स है? पहली बात ध्यान रखें आप कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आर डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस रिएक्शन। किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर बैलेंसिंग रिएक्शन। तो जब तक आप बैलेंस ना करो रिएक्शन को, तब तक हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये रिएक्शन दिख रही है कि बैलेंस है, तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लिखना चालू करूं 1, बी का 3 और इसका 1। तो ये इस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है और ये जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड एज कि हमने इसकी स्टोइकोमेट्री लिख ली है, ठीक है, स्टोइकोमेट्री लिख दी हमने। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मोल मोल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मोल मोल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ ए बी थ्री अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी थ्री। ये हम इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं। चलिए, तो अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मुझे पता है, मैं मोल ऑफ ए को शॉर्ट में एन ए लिख देता हूं अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, जैसा कि हम यहां ऊपर देख चुके हैं 1 इज इक्वल टू, मैं एन बी रिप्रेजेंट कर देता हूं मोल ऑफ बी को,
स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन थ्री, ये थ्री लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू मोल ए बी थ्री मैंने लिख दिया अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन इधर था वन। तो ये ऐसे करते हुए हमने मोल मोल एनालिसिस लिखा है। तो ध्यान रखें आप कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस टू बी से थ्री सी प्लस फोर डी, ये हमारे पास सपोज कीजिए कि बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, तो आपका पहला काम क्या इंश्योर करना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, एटम दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर। फिर मैं मोल मोल एनालिसिस कैसे लिखूंगा, मोल एन ए अपॉन वन, मोल एन बी अपॉन टू, मोल एन सी अपॉन थ्री बराबर मोल डी अपॉन फोर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो दिस इज कॉल्ड एज मोल मोल एनालिसिस। अब हम ये देखेंगे कि मोल मोल एनालिसिस लिखना हम सीख गए तो ये हमें क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए अपन इस चीज पे आते हैं कि ये क्वेश्चन में कैसे हमें हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बोलता हूं कि अमोनिया इज हीटेड टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन लिख दूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑब्टेंड बाई हीटिंग ऑफ थ्री मोल, या मैं इसको कर देता हूँ फोर मोल अमोनिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला मेथड मतलब पहला जो फोर मोस्ट स्टेप है वो ये है कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अमोनिया से बन रहा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इधर नाइट्रोजन दो है तो मैं इधर कोएफिशिएंट दो लगा दूं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन एटम बैलेंस करने के बाद इस साइड हाइड्रोजन है सिक्स और इस साइड है टू, तो मैं हीट एंड ट्रायल से इधर क्या लगा दिया थ्री। अब आपके सामने ये रिएक्शन आ गई कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, टू वन और थ्री। इसका मतलब जब भी दो मोल रिएक्ट करेगा अमोनिया टूटेगा तो ये नाइट्रोजन बनाएगा वन। अब मैं बात कर रहा हूं यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड कैसे काम करता है, दो मोल से मिलता है एक मोल, तो क्वेश्चन में चार मोल है तो उससे कितना मिलेगा निकाल सकते हो, दो मोल से एक मोल तो चार मोल से आंसर कितना आ गया, टू। दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। अगर आपको मैथमेटिकली सोल्व करना है तो हम मोल मोल एनालिसिस देख चुके हैं। मोल मोल एनालिसिस कैसे काम करता है कि मैंने लिखा एन अमोनिया अपॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन टू इज इक्वल टू एन नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन वन बराबर मोल हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन थ्री। ये आप देखिए ऊपर लिख देता हूं मैं टू वन और थ्री इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है फोर मोल नाइट्रोजन अमोनिया सॉरी, तो फोर मोल अगर मैं इसे पुट कर दूं तो मैं अननोन ये पूछा है कि कितने मोल नाइट्रोजन मिलेगा, तो फोर अपॉन टू करें तो मोल नाइट्रोजन जो है वो आंसर मेरे पास कितना आ गया, टू मोल, ये इसका आंसर। तो मोल के क्वेश्चन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि राइट द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन एंड सोल्व बाई मोल मोल एनालिसिस। आप यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मोल मोल एनालिसिस का यूज करें गलती से बचने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दिमागी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन कि चार से मिलता है पांच तो पांच से कितना मिलेगा, हो सकता है इसमें गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो इस लफड़े में ना पड़े यूनिटरी मेथड में, आप तो सीधा मोल मोल एनालिसिस लिखना सीख जाओ। कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और सबको बराबर कर देना, फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो उससे अपन अननोन को निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने सीखा है मोल मोल एनालिसिस। अब हम इसमें सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक।